नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी मैंने आपको ये तालाब दिखाया, अब तालाब से हम खत्म करके अब यहाँ पर देखिए किस तरीके की आवाज आ रही है। शाम के 7:30 बज चुके हैं, सुनने की कोशिश कीजिए इस आवाज को। ये देखिए बड़ा शांत मौसम है यहाँ पर, और ये देखिए तालाब की जो लहर है वो देखिए किस तरीके से, जैसे राजस्थान में रेत पर डिजाइन बन जाता है उस तरीके से। अब हम आपको यहाँ पर ज्ञान सरोवर स्कूल है, ज्ञान सरोवर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखवा, यहाँ पर मैं ये देखिए कमरे दिखा देता हूँ आपको। ये इस गांव के कमरे हैं, और यहाँ पर ये टंकी है, और ये शीशम का पेड़ है जो कि कम से कम 10 से 12 साल पुराना है। हम भी जब छोटे छोटे से थे तो 8-10-12 साल के तब यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे, और आज भी यहाँ पर क्रिकेट, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी होती है तो यहाँ पर बच्चे बैठ जाते हैं दूर तक पीछे तक, वहां से लेकर यहाँ तक। ये देखिए यहाँ से लेकर वहां तक बच्चे बैठते हैं, और वो लाइट आ चुकी है गांव में, 24 घंटे लाइट है, क्योंकि अब सरकार बदलने के बाद से, जब से बीजेपी की सरकार है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ ही यहाँ पर 15 अगस्त का ध्वजारोहण होता है और 26 जनवरी का। तो यहाँ पर ये देखिए इसी तरीके से ये कमरे हैं, यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कमरे तो हमने यहीं पर आपको गिनवा दिए हैं। और इसके साथ ही ये यहाँ पर देख लीजिए, वो बाहर से मेन गेट वहां से आता है सामने खड़ंजे से, मैं आपको नीचे को बैठकर दिखा देता हूँ वहां से यहाँ तक। और ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कमरे हैं, 8वां कमरा ये है, और ये 9वां कमरा है, हम इन्हें गिनते चलेंगे 9, और ये 10वां कमरा है, 10, 11, और हम आपको दिखाएंगे 11, 12, 12, और ये यहाँ पर एक कमरा है, ये देखिए यहाँ पर छिपकली है, हम आपको इसे दिखाने की कोशिश करेंगे। जरा टॉर्च जलाइए इसके सामने, इस कमरे को हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आवाज हमारी गूंज रही है, ये देखिए बच्चों के बैठने का ये परीक्षा कक्ष है, ये देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं तो ये 12-13 कमरे हो गए हैं, ये देखिए 14वां कमरा, 13वां, 14, 15, 16, और यहाँ पर ये स्टाफ रूम है तो 16वां कमरा है ये। और अब हम यहाँ पर आपको इसके बारे में दिखा देते हैं, ज्ञान सरोवर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखवाया मेरठ, सौजन्य से उज्जीवन बैंक की तरफ से ये लिखवाया गया है शिलापट। और यहाँ पर ये देख लीजिए, हम आपको ये भी दिखा देते हैं, लायंस क्लब मेरठ विशाल द्वारा नव निर्मित शिक्षा भवन का उद्घाटन माननीय लायन आर के जैन, यहाँ पर मंडल अध्यक्ष लिखा हुआ है ऐसे कुछ करके, वो मिट गया है, दिनांक 25 मार्च 1991 को संपन्न हुआ, अध्यक्ष लायन राजेंद्र अग्रवाल, सचिव लोयन अनिल कंसल, और यहाँ पर अशोक गुप्ता ऐसी कुछ करके लोयन लिखा हुआ है। तो वर्ष 1990-91 में इसका निर्माण कराया गया था। अब इसके साथ ही अगले कमरे की तरफ चलते हैं, हमने यहाँ पर 13-16 कमरे गिन दिए थे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, कुल 41 कमरे इस स्कूल के अंदर हैं। इंटर कॉलेज है ये, पहले 8वीं तक था, फिर 10वीं 12वीं, और इसके बाद वहां पर 2 कमरे वहां पर जो लोग यहां पर रहते हैं, यहां पर जो कर्मचारी रहते हैं इस स्कूल की देखभाल करते हैं उनके लिए रहने के लिए वहां पर 2 कमरे अलग से आवंटित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये देखिए स्कूल के अंदर मैदान बहुत बड़ा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर देखिए यहाँ पर मैदान है, और इधर ये पूरा का पूरा परीक्षा भवन है, और यहाँ पर ये परीक्षाएं होती हैं, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा कितना बड़ा मैदान है। वहां से आए हैं, 3 मिनट लग गई है वहां से यहाँ तक आने में, और ये हमारे गांव की टंकी है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा करके, ये देखिए ये जो है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन यानी JNNURM योजना के तहत लगी थी हमारे गाँव में आज से लगभग 7 से 8 साल पहले। तो इसका पानी बहुत ही अच्छा होता है, और यहाँ पर बहुत गहराई से पानी आता है। और इसके साथ ही अब हम आपको अपने गांव का ये देखे मैदान दिखा देते हैं, जहां पर लोग जो है घूमने फिरने के लिए आते हैं, और यहां पर बारिश के कारण चूंकि मैदान जो है गीला पड़ा हुआ है यहां पर जो पिच है बच्चों की, इसलिए मैच नहीं हो पा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से जब से बीच बीच में बारिश रुक रुक कर आ रही है, अगर मैदान सूख जाता है तो यहाँ पर आसपास के गाँव के लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा बड़ा मैदान है। और यहाँ पर ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ आपको दिख जाएंगे, आज के जमाने में इस तरीके के पेड़ आपको कहीं पर नहीं दिखाई देंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत पुराना पेड़ है, ये लगभग 25 से 30 साल पुराना ये पेड़ है, ये देखिए इस तरीके का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। तो यहाँ पर अंधेरा हो गया, कुछ दिख नहीं रहा। तो ये देखिए यहाँ पर इधर की तरफ देख लेते हैं, पहले यहाँ पर भी 2 जामुन के पेड़ थे, ये जो
ये जो जगह है यहाँ पर एक जामुन का पेड़ था, यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर इससे इधर यहाँ पर एक जामुन का पेड़ था और एक जामुन का पेड़ वहाँ था, वो भी टूट गया। और इसके साथ ही वहाँ जो वो काला काला सा ये दिख रहा है आपको गोल गोल, यहाँ पर एक जामुन उसका जामुन का जो नीम का पेड़ था जिस पर काई पत्ता खेला करते थे हम बचपन में, यहाँ पर भी था एक पेड़। और यहाँ पर आज इस तरीके का ये जो तालाब आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर ये तालाब यहाँ पर बहुत ही अच्छा है और थोड़ी साफ सफाई बच्चों ने थोड़ी मेंटेन नहीं किया, अगर वो इस तरफ ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा स्कूल है, यहीं पर सब लोग पढ़ते हैं हमारे गांव के और आसपास के गांवों से भी लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर इस स्कूल की हम बात करें, ज्ञान सरोवर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखवाया, तो इस गांव के अंदर जो है कुल मिलाकर 700 से 800 बच्चे एक समय में पढ़ते थे, 1200 बच्चे, लेकिन उसके बाद ग्राफ फिर थोड़ा नीचे आया, लेकिन उसके बाद फिर से आज के समय में ग्राफ जो है बहुत ही अच्छी प्रगति पर है स्कूल, और बच्चे पढ़ रहे हैं, फीस भी ज़्यादा नहीं है और फैसिलिटी के हिसाब से हर कमरे में पंखा है, लाइट है और यहाँ पर ये तालाब है। और ये भी सौजन्य से उज्जीवन बैंक की ओर से बनाया गया है, ये देखते हैं ये शायद ये बोरिंग बनाया गया है शायद पानी वानी भरने के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर पानी वानी पीने के लिए जल बचाओ जीवन बचाओ के तहत ये देखिए पेड़ है। अब हम यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर वंश भी हमारे साथ ही है, तो आपको सावन के महीने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हो इसी बात के लिए हम कहते हैं। और यहाँ पर जब आप स्कूल के अंदर से प्रवेश करते हैं, चूंकि हम स्कूल के अंदर से आ रहे हैं बाहर की ओर, अगर आप बाहर से आएंगे तो ये आपको दिख जाएगा, ये देखिए ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये प्रधानाचार्य का कक्ष है और ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पर भवन आवंटित किया गया है। और इधर यहाँ पर पार्किंग लगा दी जाती है, चूंकि पार्किंग अंदर भी लगती है यहाँ भी लगती है, यहाँ भी कक्ष है, ये देखिए ये प्रधानाचार्य का कक्ष है। तो अब हम स्कूल से बाहर निकल गए हैं, एक बार फिर से मुड़ते हुए स्कूल का पूरा फर्स्ट यहाँ से फ्रंट है, यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं। अब हम यहाँ से चलने वाले हैं और यहाँ पर ये प्रिंसिपल की गाड़ी पार्क हो जाती है। यहाँ पर ये पेड़ जो है बहुत पुराना पेड़ है और ये भी यहाँ पर एक दुकान है, तम्बाकू मुक्त ज्ञान सरोवर इंटर कॉलेज लखवा रोटर रोड मेरठ। और यहाँ पर जो है खाने पीने के लिए टी स्टॉल है, प्रोविजन स्टोर है, समोसे चाउमीन आदि मिलते हैं। ज्ञान सरोवर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखवाया मेरठ, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दो दुकान है लकड़ी की और ये बुक्स की प्रोविजन स्टोर है, यहाँ पर किताबें मिलती हैं बच्चों को, स्टेशनरी। और इसी के साथ ही यहाँ पर ये देखिए पेड़ है, ये लगभग 30 साल पुराना पेड़ है। और इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।